उज्जैन जिले के ग्राम पंचायत खजूरिया कुमावत का सचिव अनियमितता और भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है। भाजपा नेता की सरपरस्ती से हुआ बेलगाम सचिव शासकीय नियमों का खुला उल्लंघन कर रहा है। वैसे तो ग्राम पंचायत संपूर्ण ग्राम के विकास के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके लिए ग्राम पंचायत में कई पदों का सृजन किया जाता है। इसमें एक प्रमुख पद पंचायत सचिव का होता है और पंचायत कार्यालय का प्रभारी होता है, जो पंचायत कार्यालय संबंधी कार्यों का लेखा जोखा रखता है। पंचायत सचिव सरकारी योजनाओं के लिए अनुदानित राशि को निर्धारित खाते में डालने संबंधित जानकारी रखता है, जिसमें अकेंक्षण होने पर प्रस्तुत करना होता है। सचिव की नियुक्ति ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत खजूरिया कुमावत का सचिव अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी नियमों की और योजनाओं को खुलेआम मखौल उड़ा रहा है। सचिव के द्वारा सरपंच की असाक्षरता का पूरी तरह से दोहन किया जा रहा है। ग्रामीण जनों से समग्र आईडी के नाम पर खुलेआम अवैध वसूली करते हुए 200 से 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। बावजूद इसके लोगों को पंचायत के चक्कर काटना पड़ रहे हैं। सचिव समय पर पंचायत कार्यालय पर उपस्थित ही नहीं रहता। बताया जाता है कि उक्त सचिव बीजेपी नेता की सरपरस्ती पर खोप बताकर अपनी मनमानी पर उतारू है। प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण योजना में शासन को जमकर पतीला लगाया गया है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। मंत्री जी ने, मैंने 200 रुपये मांगे थे मेयर से, उनने कि आईडी के 200 रुपये लगेंगे जब आईडी आपको मिलेगी। आईडी काय के लिए बनवानी थी आपको? ये बच्चे की फीस के लिए वो मैडम जी जो मांग रही थी हमसे। दो साल पहले मेरे को लेटरिन के 12,000 रुपये मिले तो मिलना थे, उसमें से 6,000 रुपये आए और 6,000 रुपये अभी तक नहीं आए। क्या नाम है आपका? आपके अकाउंट में कितने पैसे आए थे अभी तक? 6,000 आए। आपने मंत्री को शिकायत करी थी इस बात की? मंत्री जी को शिकायत करी थी तो बोले थे 6,000 बाकी रहे, 3,000 मेरे को देना पड़ेंगे और 3,000 तू रख लेना। ये बात करी हमने तो फिर किसने किस चीज़ के लिए? राशन कार्ड के लिए निर्मल निर्मल गांव कर दिया। मैं तो लेटरिन है ना, बाथरूम कुछ भी नहीं है, टाटा ही बंदा है घर पे, कच्चा ही मकान ना। 15 साल हो गए इस पंचायत में कुछ भी आपका वो विकास नहीं हुआ। 15 साल हो गए, ये अगली योजना ये 20 साल में घुसी जाएगी। 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ। इतना इतना घटता है अभी रोड पे, बच्चे छोटे छोटे कैसे जाए, पंचायत सचिव आते हैं पंचायत में? भाई सचिव को देखा ही नहीं मैंने अभी तक। कोविड के लिए एक्टिव ससोदिया जी है हमारे गांव में, उन्होंने 12,000 दिए मेरे से कुटीर के, तुम्हें कुटीर मिल जाएंगी। और अभी जो राजेश जी हैं सचिव, उनने भी 10,000 की मांग करी कि 10,000 आप दे दो हमें तो आपको कुटीर मिल जाएगी। अच्छा, और इसके बाद में अपने समग्री आईडी जो बनाने जाते हैं उसके भी पैसे लगते हैं क्या? नहीं लगते हैं। कितने पैसे लिए आपकी समग्री आईडी से? सर उनको 700 रुपये दिए मैंने। अच्छा, तो वो बोलते हैं वहाँ देना है यहाँ देना है, पैसे तो लगेंगे समग्री आईडी बनाने में, तो देना पड़ेगा। पंचायत रोज खुलती है कि नहीं खुलती? नहीं खुलती। पंचायत मंगलवार को जन सुनवाई होती है और ये आते ही नहीं होना चाहिए और नियमित रूप से कार्यकाल भी होना चाहिए पंचायत का। हम जांच करवा के दिखवा लेते हैं, रिपोर्ट बुलवा लेते हैं, अगर किसी की लापरवाही है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।